वेलकम टू स्पोर्ट्स अरीना साथियों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा। गाइस, इंडियन क्रिकेट टीम के एक्स क्रिकेटर रॉबिन ओथप्पा ने एक खुलासा किया है। जी हाँ दोस्तों, वो खुलासा ये है कि उन्होंने कहा पाकिस्तान के एक्स फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने 2007 वनडे सीरीज के दौरान उन्हें खतरनाक बीमर गेंद फेंकने की धमकी दी थी। उस किस्से को याद करते हुए ओथप्पा ने बताया कि इस नवंबर 2007 में ग्वालियर में होने वाले चौथे वनडे मुकाबले की पहली वाली शाम अख्तर उनसे डिनर पर मिले थे। ओथप्पा ने कहा, मुझे याद है हम सब साथ मिलकर डिनर कर रहे थे, अख्तर भी वहाँ थे। वह मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि तुमने पहले वनडे में अच्छा खेला, इसके बाद उन्होंने कहा कि तुमने मेरी गेंद पर हिट किया था, अगर फिर ऐसा किया तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा, हो सकता है कि तुम्हारे सिर पर सीधे बीमर पड़े। उन्होंने कहा, हम पहले वनडे में गुवाहाटी में खेल रहे थे, चूँकि यह ईस्ट इंडिया में आता है तो वहाँ शाम जल्दी होती है, उस वक्त हमें वनडे में दो नई गेंद नहीं मिलती थी। ओथप्पा ने कहा, अख्तर गेंदबाजी कर रहे थे और मैं और इरफान क्रीज पर थे, मेरे ख्याल से हमें 25 गेंदों में लगभग 12 रनों की ज़रूरत थी, अख्तर ने मुझे यॉर्कर फेंकी और मैं गेंद को मिस कर गया। ओथप्पा ने कहा, यह गेंद करीब 154 किलोमीटर की रफ्तार से फेंकी गई थी, अगली गेंद लो फुल टॉस थी जिस पर मैंने चौका जड़ा, अब हमें 3 या 4 रन की ज़रूरत थी और मैंने मन में कहा कि मुझे अख्तर की गेंद पर हिट करना चाहिए क्योंकि पता नहीं मुझे कब ऐसा मौका मिलेगा। ओथप्पा ने कहा, अख्तर ने जैसे ही लेंथ गेंद डाली और वह चौके के लिए गई, हमने यह मुकाबला जीता था, भारत ने उस सीरीज को 3-2 से अपने नाम की थी। तो साथियों, ऐसे ऐसे किस्से सुनने को मिलते रहते हैं। अब भैया ओथप्पा से कह डाला कि भैया हम तुम्हारे सिर पर सीधे बीमर मार देंगे, तो ऐसे ऐसे किस्से होते ही रहते हैं क्रिकेट की दुनिया में। पाकिस्तान, खासतौर से पाकिस्तान और इंडिया को लेकर तमाम तरह के ऐसे विवादित खबरें आती रहती हैं। तो साथियों, आपका इस बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। फॉर मोर वीडियोज़ स्टे कनेक्टेड।